आर्य फोन पे बात करते करते एक अनजाने कमरे में आ जाते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि उनका कमरा नहीं है, लेकिन जब अंदर आकर देखते हैं तो वो कमरा पूरी तरह से सजाया गया था और वहां पर एक सुहाग की सेज भी तैयार थी। ये देखकर आर्या शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि शायद वो गलत कमरे में आ गए हैं, लेकिन तब तक डोर लॉक हो चुका होता है और आर्या से नहीं खुलता। वहीं जब वो अपना मोबाइल उठाते हैं तो उनके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से उनकी किसी से बात नहीं हो पाती। यहाँ तक कि वो खिड़की से भी निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वेल, कहीं ना कहीं किस्मत उन्हें इस मोड़ पर लाकर इसलिए खड़ी की है कि शायद उनका मिलन वो गोपी से कराना चाहती है, लेकिन देखना होगा क्या किस्मत का इशारा आर्या समझ पाएंगे। एंड फॉर मोर सच स्टडी डाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।